इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपने गैरिजियन बिंदु यानी कि L1 पर पहुंचेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शुक्रवार को बताया कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपने लैग्रेंजियन बिंदु या L1 पर पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम से एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। आदित्य L1 विल एंटर L1 पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट ऑन 6th, सो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। एग्जैक्ट टाइम विल बी अनाउंस्ड बाय अप्रोप्रिएट टाइम, 6th ऑफ जनवरी, एंड वंस इट इज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन L1 पॉइंट, इट विल वर्क फॉर नेक्स्ट 5 years, gathering all this data, which is very, very important for, not for India alone, it's for the entire world. This data will be very useful to understand the dynamics of sun and how it affects our life. इसरो ने पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला के रूप में आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया था। ये प्रभा मंडल कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। The Aditya L1 was launched some time back, but it had a long journey, almost 3 times the distance from Earth to Moon it has to travel. So it has almost reaching that point. We have done the final trimming to reach the L1 point. But when it reaches L1 point, we have to fire the engine once again, give some speed reduction so that it doesn't go further. So it will go to that point, and then once it reaches that point, it will rotate around the point and it will be trapped in that L1 point. इसरो के मुताबिक आदित्य L1 जब लैग्रेंजियन बिंदु पर पहुंच जाएगा तो ये अगले 5 सालों तक सूर्य पर होने वाली घटनाओं को दर्ज कर सकेगा। ये बिंदु धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है।